खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली जी राम राम। खेदड़ गौशाला में हाँ, और पिछले करीबन 90 दिन तक धरना चल रहा था, लेकिन 8 तारीख ने कुछ ईसा प्रकरण हुआ है कि इस धरना का रुख और बदल गया भाई, क्योंकि प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करी गई और उसके बाद में एक जो साथी हैं शहीद हो गए हैं। लगातार तमाम नेता पहुँच रहे हैं। सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ में पहुंचे हैं पानीपत, किसान यूनियन पानीपत से, तो उनसे भी बातचीत कराएं। राम राम भाई साहब। भाई राम राम, नाम राशि तेरे दर्शकों ने भी भाई थारे भाईचारे ने सारे ने राम राम, जय जवान जय किसान। भाई सोनू भाई धर्मपाल नाम है भाई का, जो उनसे शहीद होया है। देखो साध तो हमारी मतलब कि खून में ही है, हमें बड़े और छोटे और साथ देने के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपनी 36 बिरादरी के लिए, किसानों के लिए, मतलब कि साधते कितनी चली जाओ, साधतों से हम कम से मतलब मजबूत होते, कमज़ोर नहीं होते। अगर भाई हम एक धर्मपाल शहीद हो गया तो मतलब कि हमें तोड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक धर्मपाल की जगह 100 धर्मपाल शहीद होने के लिए तैयार रहते हमारे। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जो हमें ऐसे एक शहादत पे हम और मजबूत होते हैं। ऐसे कितनी शहादतें होगी, 700 के करीब तो बॉर्डर पर होली थी, वो भी हमें कभी तोड़ के नहीं गई है, उनने भी हमें कुछ सिखाया है। हमने देखो ज़िंदगी में मरना आते तो भाग्य की बात है, जो हमारे बालक हैं वो बॉर्डरों पे शहीद होते हैं, हमारे किसान वो यहाँ शहीद होते हैं। तो इस चीज़ से हम डरते तो है नहीं, इस चीज़ से हम सीखते हैं और इससे हम मजबूत हो रहे हैं, हमारी एकजुटता मजबूत होती है। मतलब कि जो थोड़ी बहुत हमारे में एक दूरियां है, एक शहादत से हम पूरा हरियाणा एक हो जाएंगे। बाकी इसके बारे में अग भाई धर्मपाल क्या था उसके बारे में आप 13 तारीख को देखोगे ना, तो पूरा हरियाणा यहाँ हिसार पुलिस के हिसार यहाँ हरियाणा सरकार की समझ में नहीं आएगी, पब्लिक आई कितना है यहाँ। तो प्रत्येक आंदोलन में एक आरोप लागे करा कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो रोटी सेक हैं, तो गौआ का ऊपर यदि आंदोलन चल रहा है तो इसमें के कहेंगे ये भाई? देखे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ माता, सब ये डकोसले हैं इनके, ना तो बेटी सुरक्षित है और ना मतलब कि को शिक्षा की वो है जरूर उसमें, अगर भी शिक्षा में काम आ रहे हो, लेकिन ना ये गौवा का पैसा दे रहे, ना तो पैसा दे रहे गौवा का। इन्हें देखो ना पहले के ठीक दाड़े गऊ सारा देख लो क्या कमी है यहाँ। तो इनमें गऊओं में हमारे भगवान ही तो है, 36 देवी देवता 36 करोड़ों सारे इन्हें निवास करते हैं। तो भाई हमें इनको माता नुए तो बोलने हैं, ये इनके ऊपर भी मतलब मारी गई ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो मतलब कि ये चलने वाले तो है नहीं, लेकिन भाई मन तो इनकी 40 ही लाख गए है। अगर किसान ना मत एक डिग गया जब तुम तड़े तले किमें किमें और पुआड़ा रच दो, इबनू बेरा नहीं है तड़े तले की कर रहे हैं। बाकी हम तो इस सरकार को बताना चाहते हैं, हम एक एक करके भी मर जाएंगे लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं, हम उस कौम से हैं जो डटकर मुकाबला करते हैं, भागने वालों में से नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 20-20 साल के हैं, वो चार पकड़ रखे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद कर देगी, क्योंकि 302 का मुकदमा उनका ऊपर लगा रखा है। इब आगे में ना कोई भर्ती देख सकते हैं, पहली बात तो भर्ती बची कड़े हैं, लेकिन दूसरी बात तो उनकी जो को उम्मीद थी वह भी उनकी ख़त्म हो गई है। देखो उम्मीद तो इन भर्ती वाला तो पहले ही नखाड़ा छेड़ रखे, बोले अब ये अग्नि पत्थर ये अग्नि वीर हैं ये 4 साल खतर, तो ये मतलब कि ये लोगों को ना ये इस कौम से डर चुके हैं हरियाणा पंजाब से, इनका ये दिमाग कहीं मतलब डाइवर्ट करने पर लग रहे हैं, इनका कुछ और ही प्लान और ही जमेला है, लेकिन इनका कुछ हो। हम सरकार से ये कहते हैं भाई हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितने भी शहीद हो जाओ और हम न्याय लेके रहेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाओ। ये हमारी जो कमेटी गई है अगर उसका फैसला ये होगा भाई हम अपना शहीद को अग्नि को चिताई जब देंगे, जब मतलब कि हमारी मांगे पूरी मान ली जाएगी। बाकी तो कमेटी है, जैसे उनकी मीटिंग चल रही है, जैसी मीटिंग में आदेश आएंगे हम अपने उन भाइयों के साथ हैं जो हमने हमारी तरफ से आगवानी कर रहे हैं और सरकार से और प्रशासन से बातें कर रहे हैं। काम हो रहा है थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमेशा तो ही पब्लिक सब ने रोड पर रख कर अपनी मांग मनवावा है, लेकिन प्रशासन हो रहा है सब ने कब्जा में करके मांग मनवावा है, तो हम उठ कर जाओ हो जद देवा अगर भाई इन और तो ठा दिए थे बॉर्डर पर, तो बकाब को कई चीज़ें हमारी नहीं माननी, लेकिन हमने भी मौके की तलाश है। हमारे तो जदन संयुक्त किसान मोर्चे का नू आ गया, इस पे तो शुरुआत कर लो या और किसी चीज़ से शुरुआत कर लो, देखो आंदोलन की शुरुआत फिर होगी और फिर आंदोलन होगा। जब तक हमारी ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा, जब तक किसान पीछे नहीं हटेगा, और मुझे जहाँ तक लगता है हमारे बड़े नेताओं के विचार से
ये कहीं भी जा रही हो सरकार, लेकिन हम भी एक बड़े आंदोलन की तरफ जा रहे हैं और उस आंदोलन का भी हर चीज़ का फैसला और अपनी जो जो हमारी मांगे थी वो पूरी करने के बाद और ऐसे अपने सारे शहीदों का हिसाब लेने के बाद जब ही मानेंगे। ये तो जो कर काम ऐसा चल रहा है जैसे श्रीलंका का देश का नाश हो गया ना, इसका भी ऐसी बेड़ा गर्क करने के चक्कर में चल रहा है। लेकिन कोई नहीं, सबसे पहले तुम्हारा भाईचारा है, हमने 36 बिरादरी को इकट्ठा रखना है, अपने भाईचारे को बनाए रखना है, इस सरकार के इन लोगों के बकाए में नहीं आना है और अपना जो भी लड़ाई लड़ते जाएंगे, हार तो हमारी होती नहीं भाई, और लड़ाई हमारा इतिहास है और अक तो लड़ने के बाद ये लड़के ही लिए जाएंगे। 13 तारीख की जो महापंचायत है उसके लिए आप जनता तक कुछ संदेश देना चाहोगे? भाई मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मैं अपनी दून खाप को भी संदेश देना चाहूँगा भाई, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ उसका और प्रधान की तरफ से भी ये संदेश देना चाहूँगा भाई, एक तो मेरी दून खाप 13 तारीख को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, क्योंकि मेरे दून खाप के जींद और हिसार गाँव में बहुत गोत के गाँव हैं और भाई मैं अपने ज़िले से कम भी मतलब कि मैं 100-150 गाड़ियों का काफ़िला ले कर चलेंगे वहाँ से, आपको पता होगा जब चलेंगे वहाँ भी और जब पहुँचेंगे वहाँ भी, तो इनको 13 तारीख को सारी चीज़ का जवाब ये दे देंगे। अग भाई कोई धर्मपाल कोई बकरी का बच्चा नहीं है, वो हमारा मतलब शहीद है, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे शरीर का अंग है, हम उसके वैसे ही जाए नहीं जाने देंगे उसकी शहादत को। तो ये थे हमारे साथ में सोनू मालपुरिया जी, जिसके विचार आपने जाने, अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दिए और खबर ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।